तो ठीक है, बताइए कहाँ है चंद्रमणि और कहाँ है वो चोर। ए बंधु, अब क्या करेगा तू रामा? कुछ तो करूंगा बंधु, और जो करूंगा ना तो कभी पहले किसी ने किया ना किसी ने देखा। नहीं जानता जो करने जा रहा हूँ उसमें मैं सफल होऊंगा भी या नहीं, परंतु और कोई विकल्प नहीं है मेरे पास। अब तो माँ का ही सहारा है, सब कुछ वही संभालेंगी। महाराज, मैं सबसे पहले हमारे पांचों अतिथि गायकों को इस सभा में आमंत्रित करना चाहूंगा और उनसे केवल एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। अतिथियों को प्रस्तुत किया जाए। सीधा सटीक दो टूक प्रश्न, क्या आपने चंद्रमणि चुराया है? रामचंद्र कहे गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, शुगेगा दाना भैया, बंदर रत्न चुराएगा। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। ये माधवा केशवा, अम्मा अम्मा चोर नहीं जी, अम्मा हर निर्धन व्यक्ति चोर नहीं होता महोदय, समझे? हाँ, हाँ, हाँ। हम और चोर, अन्याय हो रहा है महाराज, घोर अन्याय हो रहा है ये। हम कुछ भी नहीं चुराए। हमें आप पर पूरा विश्वास है सौंदर्य देवी, आगे बढ़ी। अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए रूपा देवी जी, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रही है। आप यही कहना चाह रही है ना कि आपने चंद्रमणि नहीं चुराया? चुराया है? हाँ, नहीं चुराया, नहीं चुराया, नहीं चुराया, मैंने मान लिया कि आप चोर नहीं है। नारा ये सब हो क्या रहा है, क्या हो रहा है ये? प्रमाणित क्या करना चाहते हैं ये सब चोर लेकर के, और कितना लज्जित करेंगे बेचारे इन अतिथियों को। पंडित रामकृष्ण, ये कैसी तर्कहीन व्याख्या है आपकी? सर्वप्रथम तो हमारा मन नहीं मान रहा है कि हमारे अतिथियों में से ऐसा कोई कर सकता है। क्षण भर के लिए मान भी लो कि किसी ने ऐसा किया है, तो कौन चोर स्वयं कहेगा कि वो चोर है, उसने चोरी की है? कहेगा महाराज, अभी कहेगा, यहीं इसी सभा में भरे दरबार में कहेगा, ना चाहते हुए भी कहेगा। ठीक है, मैं किसी से कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा, बस आप मुझे केवल कुछ क्षण और दे दीजिए। ये पोटलियां यहाँ उपस्थित सभी लोगों में बांट दीजिए, सभी को एक एक पोटली मिलनी चाहिए, सभी को अर्थात सभी को कोई भी छूटना नहीं चाहिए। लाइए एक पोटली मुझे दीजिए, आरंभ मैं ही किए देता हूं। आचार्य को पोटली नहीं दी, इन्हें भी दीजिए, आचार्य एक पोटली आप भी लीजिए। आप भी लीजिए मतलब? हम क्यों लें पोटली? लेनी तो पड़ेगी आचार्य, हम सबने ली है। जब तक वास्तविक चोर नहीं पकड़ में आ जाता तब तक हम सभी संदेह के घेरे में हैं। कहना क्या चाहते हैं आप? हम चोर हैं, हम राजपुरोहित तथाचार्य चोर हैं। आचार्य वर आप शांत हो जाइए, सर्वप्रथम आप व्यर्थ में ही आंदोलित हो रहे हैं। हम जानते हैं कि आप चोर नहीं हैं, आप चोर हो भी नहीं सकते, तो फिर पंडित रामकृष्ण की इतनी छोटी सी बात मान लेने में क्या बुराई है? और फिर यदि हम आपका आदर करते हैं तो यहां पर उपस्थित सभी सभापतियों का भी तो आदर करते हैं। उन सभी ने पोटलियां ले ली हैं, उन्हें कोई आपत्ति नहीं, तो हमारे विचार से आपको भी पोटली ले लेनी चाहिए। परंतु महाराज, एक क्षण आचार्य, एक काम कीजिए, आप एक पोटली हमें दीजिए और एक एक पोटली हमारी महारानियों को भी दे दीजिए। लाइए। तो बताइए पंडित रामकृष्ण, इस पोटली का क्या किया जाए? कुछ अधिक नहीं महाराज, केवल इतना कि जैसे ही मैं कहूं सब एक साथ बिना क्षण गवाए अपनी अपनी पोटलियां खोल लें।
बस केवल इतना ही? केवल इतना ही महाराज, परंतु उससे पहले मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूं। वो बंदर यही है जिसने चंद्रमणि चुराई, तुरंत इसे बंदी बना लिया जाए और बिना विलंब किए इसे मृत्यु दंड दिया जाए। धैर्य आचार्य धैर्य, ये वो बंदर नहीं है जिसने चंद्रमणि चुराया है। जिस बंदर ने चंद्रमणि चुराया है उसका एक कान लाल है। तो इसका कान भी तो लाल है? केवल दाया। मतलब जिस बंदर ने चंद्रमणि चुराया है उसका बायां कान लाल है। ये वो बंदर नहीं, उसका भाई है। तो इसे यहां क्यों बुलाया? असली बंदर कहां है? अभी प्रस्तुत हुआ आचार्य। चल जमूरे, कहां है तेरा भाई? बुला उसे, आवाज दे, बता लोगों को कि दरबार में चोर कौन है, बता लोगों को। ये तुम्हारी तरफ क्यों देख रहा है? कहीं तुम लोगों ने हमें बताए बिना? गुरुजी, बंदर हमारी तरफ नहीं, आपकी तरफ देख रहा है। भगवान की लीला अपरंपार है, एक बंदर के हाथों आप कांत लिखाए गुरुजी, सौभाग्यशाली हैं आप। देखा मनी, कैसे झट से पहचान गया ये बंदर अपने रिश्तेदार को। दोनों की शक्लें देख कितनी मिल रही हैं। देख देख देख। चल जमूरे, बुला अपने भाई को, बता के लोगों को चोर कौन है असली। इसी क्षण अपनी अपनी पोटलियां खोलें। मैं जानता था ये बंदर अपने मालिक के हाथ से ही मिर्ची खाएगा, इसलिए तो ये पोटली वाला प्रपंच रचाया। यही है वो वास्तविक अपराधी महाराज, चंद्रमणि का असली चोर, जिसने पूरे योजनाबद्ध तरीके से इस चोरी को अपने लक्ष्य तक पहुंचाया। एक ऐसी विचित्र अविश्वसनीय अनोखी चोरी जो ना कभी पहले किसी ने देखी, ना सुनी, ना किसी ने कल्पना करी। एक दुर्लभ और प्रशिक्षित बंदर को खरीदा, उससे चंद्रमणि चोरी करवाया और स्वयं हमारे बीच निर्दोष अबोध बनकर विचरता रहा। इसीलिए ये महाशय महल में विलंब से पधारे महाराज, क्योंकि उस समय ये चरण दास से, जो कि बंदरों का प्रशिक्षक है, बंदर खरीद रहे थे, फिर उससे कैसे क्या करवाना है सिखा रहे थे। महाराज, जिस दिन चोरी हुई उस दिन मैं रूपा देवी जी से मिला था।
मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने अपना गीत इतने ऊंचे सुर में क्यों गाया। उन्होंने जो उत्तर दिया वो इन महाशय को संदेह के घेरे में लाने के लिए काफी था महाराज जी। वो सोमनाथ जी ने हमें प्रेरित किया था अपनी कला दिखाने के लिए और जोर देकर यह भी कहा था कि हमारे ऊंचे के स्वर बहुत ही अच्छे हैं, अगर हम अपने ऊंचे स्वर में गाना गाएंगे तो ये प्रतियोगिता हम ही जीतेंगे। सोमनाथ ही अच्छे तरह से जानते थे कि चंद्रमणि ब्रह्म कमल नाम के एक ऐसे पुष्प में बंद है जो या तो अपनी इच्छा से खिलता है या फिर सुरों की शक्ति ही उसे खिला सकती है। ये भी अच्छी तरह से जानते थे कि यहाँ आमंत्रित सभी अतिथि कलाकारों में से केवल और केवल रूपा देवी ही ऐसी प्रतिभा संपन्न कलाकार हैं जो अपने गायन से ब्रह्म कमल को खिला सकती है। इसीलिए इन्होंने सबसे पहले रूपा देवी को ही इस योजना का मोहरा बनाया। इन्होंने ना केवल इन्हें ऊंचे सुर में गाने के लिए मनाया बल्कि अपना गीत आरंभ करने से पहले इस महल का प्रकाश मध्यम करने की भी सलाह दी। जी महाराज, ऊंचे सुर में इसलिए ताकि ब्रह्म कमल खिल सके और मध्यम प्रकाश इसलिए ताकि इनके प्रशिक्षित बंदर को इनका संकेत मिल सके चंद्रमणि चुराने के लिए। यही संकेत था उस बंदर के लिए कि जैसे ही प्रकाश मध्यम हो वो इस सभा में आ जाए और जैसे ही रूपा देवी अपना गीत संपन्न करे वो चंद्रमणि चुराकर भाग जाए। संदेह तो बहुत पहले ही हो चुका था मुझे इन पर महाराज, परंतु कोई प्रमाण नहीं था और प्रमाण भी ऐसा चाहिए था जो ये महाशय झुठला ना सके। आखिर हमारे माननीय अतिथिगण ठहरे, इनके मान सम्मान का भी ध्यान रखना था, इसीलिए इनके इस प्रशिक्षित बंदर को ढूंढना अति आवश्यक था, अन्यथा इनकी सच्चाई कैसे खुलती। चंद्रमणि चुराने के लिए महाराज आपको क्या दंड देंगे ये तो मैं नहीं जानता, किंतु निर्धन होने का स्वांग रचकर और निर्धनों को अपने षड्यंत्र का मोहरा बनाकर जो कुकृत्य आपने किया है उसके लिए यदि मेरा वश चले तो मैं आपको यहीं इसी समय भरी सभा में 100 कोड़े मारूंगा। किसी भी दया और क्षमा के योग्य नहीं है आपको 100% कठोर से कठोर दंड अवश्य मिलना चाहिए। क्षमा पंडित जी। क्षमा महाराज, उससे बहुत बड़ी भूल हो गई। पंडित राम कृष्णा सही कह रहे हैं महाराज, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं ही वो चोर हूं जिसने बंदर के द्वारा चंद्रमणि चुराए। यही अवसर है चंद्रमणि हासिल करके पूरे संसार के सबसे धनवान व्यक्ति बन जाने का, और सबसे कमाल की बात तो ये है ये कोई नहीं जान पाएगा कि काम तुम्हारा है। तुम पे संदेह कौन करेगा, कोई नहीं, पंडित राम कृष्ण भी नहीं। जिस दिन चंद्रमणि चोरी हुआ महाराज उसी रात को बंदर मेरे कक्ष में आया और वो चंद्रमणि मुझे सौंप गया। क्षमा महाराज, क्षमा। चंद्रमणि कहाँ है सोमनाथ? महाराज वो मेरे कक्ष में सुरक्षित है। ले जाओ इसे हमारे सामने से, इससे चंद्रमणि बरामद करो। जी महाराज। और आजीवन कारावास में डाल दो इसे, ले जाओ। क्षमा प्रार्थी हूँ रूपा देवी जी, जाने अनजाने आपको वास्तविक अपराधी समझकर बड़ा अन्याय किया मैंने आपके साथ। क्या करता, परिस्थितियां ही कुछ ऐसी थी। आशा है आपने मुझे क्षमा कर दिया होगा। बस महाराज, यही थी पूरी कहानी पंडित रामकृष्ण की जुबानी। चंद्रमणि और चंद्रमणि का चोर दोनों आपके सामने है, विलंब हुआ उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। विलंब तो आप करते हैं पंडित रामकृष्ण, किंतु उसका परिणाम प्रत्येक बार अद्भुत होता है। तो
आज हम आपको आपके सारे विलंबों के लिए एक साथ क्षमा किए देते हैं, क्योंकि आप तो आप हैं, आगे भी विलंब होंगे होंगे ना पंडित? और पंडित रामकृष्णा, आपने केवल इस चंद्रमणि की रक्षा नहीं बल्कि तुलवा वंश के स्वाभिमान की रक्षा की है, हमारे संकल्प की रक्षा की है। आज देने को तो आज हम आपको कुछ भी दे सकते हैं, किंतु आज आपने जो हमारे लिए किया है वो किसी भी भेंट उपहार से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। इसलिए आज हम आपको आज की सबसे बड़ी भेंट देते हैं, भगवान श्री गणेश के चरणों में ये चंद्रमणि हम नहीं आप समर्पित करेंगे। ये अधिकार हम आपको देते हैं पंडित रामकृष्ण। शिवाय ओम नमः शिवाय। अम्मा शारदा, अम्मा ये हो क्या रहा है? आवाज लगा रहा हूँ अम्मा और शारदा को और जवाब कौवा दे रहा है। हे कह रही है शांत हो जाइए। हाँ हाँ, इनका ये संकेत तो कोई भी समझ लेगा, पर ये बताओ यहाँ हो क्या रहा है? उठा लो। क्या उठा लो? अरे मिठाई उठा लो। क्यों? खिलाने के लिए। किसको? इन्हें। इन्हें किने? यहाँ तो कौवा बैठा है। शिव 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 शिव, कौवा नहीं है, तुम्हारे पिताजी हैं, हमारे ससुर कौवे के रूप में हम सबसे मिलने आए हैं स्वर्ग से। है? हाँ, हाथ जोड़ो और प्रणाम करो। क्या बात कर रही हो शारदा, मेरे पिताजी को कौवा बना दिया। देखिए अम्मा क्या कह रही है। देखो देखो पिताजी आए हैं, वही मनमोहक मुस्कान, वही मंत्रमुग्ध व्यक्तित्व, वही तेजस्वी आंखें, वही मधुर वाणी। चुप हो जाओ, नहीं तो ससुर जी उड़ जाएंगे। अरे पिताजी क्यों उड़ जाएंगे? ऐसा बोलो एक कौवा उड़ जाएगा? पिताजी के प्राण पखेरु तो कब के उड़ चुके हैं, अब कहाँ रहे वो? अरे देख क्या लाया लामा, आशीर्वाद ले पिताजी का। अरे मूर्ख, इतना खाना इतना मिष्ठान यदि एक जगह पे रखोगे तो एक कौवा क्या, नगर के सारे कौवे यहाँ एकत्रित हो जाएंगे, और यदि उनमें से कोई मेरे पिताजी हुए तो तब तो इनका परिश्रम व्यर्थ हो गया ना, इतना सारा खाना एक अपरिचित अनजान कौवे को खिलाकर। क्षमा कर दो स्वामी, ये नादान है, कुछ भी बोलता रहता है, आपके आशीर्वाद से इसके तो भाग्य ही खुल गए हैं।
दरबार में उच्च पद प्राप्त हुआ है, महाराज का विश्वास पात्र बन गया है। आज जो कुछ भी है केवल और केवल आप ही के कारण है। अरे अरे, विश्वास नहीं हो रहा कि निकम्मा आलसी ये सब कर सकता है। हम नहीं कह रहे, अम्मा कह रही है कि ये पिताजी कह रहे हैं। देख क्या ले लामा, आशीर्वाद ले पिताजी का। उठा लो। क्या उठा लूं? अरे इनसे कह रहे हैं, इनकी पसंद के लड्डू बनाए हैं, उठा लो और खा लो। चक्के बताइए कैसे बने हैं। पिताजी का प्रसाद है अम्मा, ग्रहण करो ग्रहण करो, तुम भी ग्रहण करो। वैसे तो कहते हैं कि ये शुभ संकेत है, पर देखते हैं मेरे लिए क्या संकेत लेकर आया ये। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।